Hello students, my name is Rukaiya and I'm teacher of Fresh Bird School. Today I'm going to teach you English Literature Chapter 10 for Class 2. My Shadow. So ये chapter जो है, ये poem जो है, मैं आपको बहुत short में समझा रही हूँ और आप लोगों को इसे बहुत अच्छे से read करना है. ये My Shadow, Shadow means परछाई होते हैं, आप लोगों को पता है, आप लोगों ने भी अपने परछाई को notice किया होगा. तो ये जो पोयम है परछाई के ऊपर है, माई शैडो के ऊपर है. सो लेट्स स्टार्ट. सो आई हैव अ लिटिल शैडो दैट गोज इन एंड आउट विथ मी एंड व्हाट कैन बी द यूज ऑफ हिम इज मोर देन आई कैन सी. ही इज वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड एंड आई सी हिम जंप बिफोर मी when I jumped into my bed. So, first paragraph में poet ने अपने shadow के बारे में बताया है कि उन जो है एक little shadow है, जो भी वो करते हैं साथ साथ वो भी करता है. जैसे कि अगर वो jump करते हैं तो उससे पहले उनका shadow jump करता है and वो अपने shadow को देख सकते हैं. तो first paragraph में वो अपने shadow के बारे में बताते हैं. Now, second paragraph, the funniest thing about him is the way he likes to grow. Not at all like proper child, which is always very slow. For he sometimes shoots up taller like an India rubber ball, and he sometimes goes so little that there none of him at all. So second paragraph में poet ने ये बताया उसके बारे में कि वो कैसे grow कर रहा है, या उसके बारे में बताया कि वो कभी कभी कितना ज़्यादा funny लगता है और कभी कभी वो India rubber ball की तरह वो ऐसा लगता है, कभी वो jump करता है, वो बढ़ता नहीं है कभी, like कभी tall कभी short. And now, third paragraph, he just does not have a clue of how children ought to play and can only make a fool of me in every sort of way. He stays so close behind me, he's a coward, you can see. I didn't think it a shame to stick to news as that shadow stick to me. So third paragraph में poet ये समझा रहे अपने shadow के बारे में कि वो कितना coward है, कि मेरे पीछे छुपता है, वो कितना short है, वो उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो बहुत डरपोक है और वो मेरे से हमेशा चिपका हुआ रहते हैं. Now fourth paragraph. One morning very early before the sun was up, I rose and found the shining dew on every buttercup. But my lazy little shadow, like an arrogant sleepy head, had stayed at home behind me and was fast asleep in bed. So poet fourth paragraph में ये समझा रहे हैं कि एक morning उनके उठने से पहले, सूरज के उठने से पहले उन्होंने नोटिस किया कि शाइनी ड्यू मीन्स वाटर ड्रॉप्स से फ्लावर्स होते हैं उनके ऊपर हैं, बट उनके जो लेजी शैडो है वो अभी भी सो रहा है. हैड स्टेड एट होम बिहाइंड जो लेजी शैडो है वो अभी भी सो रहा है had stayed at home behind me. वो घर पे ही था और वो उनसे पहले ही सो चुका था पर वो अभी तक नहीं उठा. सो स्टूडेंट, मैंने आपको इस पोयम बहुत शॉर्ट में समझाया है इस पोयम को, और आप लोगों को बहुत अच्छे से रीड करना है इस पोयम को और समझना है. थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय.